तो कैसे हैं मेरे भाइयों और मेरे साथियों? यार मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया है, तो मैं उसकी डिटेल कैसे निकाल लूँ? यार मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि मेरे पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया है, तो मैं उसका नाम और उसकी डिटेल कैसे निकालूँ? शायद आपका जवाब ट्रू कॉलर होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप ट्रू कॉलर का नाम नहीं जानते होंगे। आप कभी ना कभी इस ट्रू कॉलर की ऐप को ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये ट्रू कॉलर की ऐप आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से समझना है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस ट्रू कॉलर की पूरी काला करतूत के बारे में बताऊंगा कि आपका कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए, जो शायद आप सपने में कभी नहीं सोचते होंगे, उससे भी ज़्यादा ये आपका नुकसान कर सकती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखते हैं या तो फिर रखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज़रूर हटा देंगे। चलिए मैं आप लोगों को इसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि इस किस तरह से ये काम करती है। भाइयों, अगर आप हमारे चैनल का पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन, किसी आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसका नाम कैसे निकाल लेती है। चलिए हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, या तो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल रखा हूँ, और ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन करती क्या है कि जो मेरे फ़ोन में जितने भी नंबर सेव है, मेरे दूर के रिश्तेदार का, मेरे दोस्त का, मेरे फ्रेंड का, ये सारे क्या करते हैं, यानी मैं तो किसी का ना किसी नाम लिखकर ही अपने फ़ोन में किसी का नंबर सेव किया हूँ, तो वो क्या करती है, उसी नाम से वो अपने डेटा सर्वर में सभी मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं या फ़ोन नंबर है वो अपने डेटा सर्वर में स्कैन करके स्टोर कर लेती है, यानी कि अपने पास वो रख लेती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन ना जाने कितने लाखों लाख फ़ोन में इंस्टॉल होगी, और लाखों लाख में उनमें सेव नंबर, मेरे पास तो लगभग 100 से अधिक नंबर सेव होंगे मेरे मोबाइल में, तो आपके मोबाइल में भी उतना अधिक से नंबर सेव होगा। तो ये करती क्या कि जितने भी आपके फ़ोन में जिस नाम से आप सेव किए वो सारे अपने सारे को उठाती है और अपने डेटा सर्वर में रख लेती है। और करती क्या कि जब कोई बंदा ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन पर कुछ आप उस नंबर से अननोन नंबर से अगर सर्च करता है तो वहाँ पर नाम दिखा जाता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ना किसी के पास तो जो नंबर आपके पास अननोन नंबर से कॉल आया है वो तो किसी ना किसी फ़ोन में ज़रूर सेव होगा, किसी के रिश्तेदार या उसका फ्रेंड कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, और उसके फ़ोन में ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल होगी। और अगर उसके फ़ोन में ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रू कॉलर के सर्वर में उसका नाम और उसका नंबर स्टोर हो चुका है। और अगर आप उसी नंबर से ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं, सामने आपको उस बंदे का नाम नज़र आ जाता है, और बहुत सारे नंबर पर भी ये फ़ोटो भी दिखाती है। तो ये फ़ोटो दिखाती है आपके गूगल प्लस अकाउंट या गूगल अकाउंट से या तो फेसबुक अकाउंट से, ये दोनों ही अकाउंट से फ़ोटो उठाती है और साथ में वहाँ पे फ़ोटो भी दिखाया जाता है। आप तो कहेंगे कि यार इसमें मेरा नुकसान क्या है? दोस्तों, मैं आप लोगों को नुकसान अभी नहीं बताया हूँ, वीडियो अभी बाकी है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये काम इस तरह के करती है। चलिए मैं अब इस एप्लीकेशन के नुकसान के बारे में बात करता हूँ कि आप इसे अपने फ़ोन में अगर इंस्टॉल रखें तो ये आपका किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। आपको याद होगा कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते होंगे पहले स्टोर से, उसके बाद जब इसे आप ओपन करते होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे परमिशन मांगते होंगे, वो है आपके माइक्रोफोन का, आपके कैमरा का, आपके कॉन्टैक्ट का, यानी सभी गैलरी का, जितना भी यहाँ परमिशन है और आप इसे जाने समझे सभी को परमिशन दे देते हैं। सबसे बड़ा परमिशन आप है माइक्रोफोन का, माइक्रोफोन का अगर आप परमिशन दे दिए तो ये आपके कॉल रिकॉर्डिंग को भी, आपके फ़ोन में जो जहाँ से कॉल आते हैं उसकी रिकॉर्डिंग को भी ये सुनती है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा कि आपका रिकॉर्डिंग इसके डेटा सर्वर में सेव हो चुकी है। अगर कोई अगर निकालना चाहेगा आपके नंबर का रिकॉर्डिंग तो वो आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि इसके सर्वर में आपका
माइक्रोफोन का परमिशन दे दिए, आप जहाँ से भी कॉल आता है बात करते हैं तो इसके ट्रू कॉलर की डेटा सर्वर में सेव हो जाती है ऑटोमेटिक, ये आपको पता भी नहीं चलता। इससे भी खतरनाक, ये लोग शेयर कॉन्टेक्ट का बिजनेस करते हैं। मान लीजिए आपको सलमान खान का नंबर चाहिए, अमिताभ बच्चन जी का नंबर चाहिए, या तो फिर आपको मोदी जी का नंबर चाहिए, ये लोग आपको आसानी से दे सकते हैं, लेकिन बदले में आपको उनको पैसा देना पड़ता है। ये लोग करते क्या, आपको होगा कि इन लोगों का नंबर उसके पास कैसे है। मैंने वीडियो की शुरुआती में आप लोगों को बताया था कि सारे मोबाइल के नंबर जो सेव होते हैं सर्वर सेव कर रहती है। उदाहरण में आप लोगों को बता देता, मान लीजिए मैं सलमान खान का दूर का रिश्तेदार हूँ और मेरे पास सलमान खान का नंबर सेव है, तो जब मैं अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिक इन लोगों को सलमान खान के नाम से उसके पास चला जाता है। लेकिन आप कहोगे कि भैया कि सलमान खान तो कोई दूसरा नाम से भी हो सकता है, लेकिन भाई आप तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप माइक्रोफोन का परमिशन दे चुके हैं, उसकी आवाज़ को ये लोग वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। हर एक बंदे का आवाज़, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनकी आवाज़, अगर उसके साथ कोई बंदा बात करता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर ये लोग वेरीफाई करते हैं और ये शेयर कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं, जिससे इस ट्रूकॉलर को लाखों लाखों का फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक बिल्कुल चाइना एप्लीकेशन है यार, चाइना एप्लीकेशन है, ये हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है, हम मजबूर होकर कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये एक चाइना एप्लीकेशन। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना।